हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। नमस्कार दोस्तों, कॉकटेल जॉकी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम लोग बनाएंगे माय ताई। जी हाँ, माय ताई। माय ताई बनाने के लिए हमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनका विश्लेषण मैं आप लोगों को अभी करता हूँ। हमारा पहला इन्ग्रीडियंट है डार्क रम, हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वाइट रम। वैसे तो इस कॉकटेल में ऑरेंज कोला सा हो जाता है, बट हम यहाँ पे ट्रिपल सेक यूज़ करेंगे उसकी जगह, जो कि है मोरिंगा ट्रिपल सेक। ये भी ऑरेंज फ्लेवर का रहता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्जिट सिरप। ऑर्जिट सिरप आपका आलमंड सिरप होता है। आइए इस कॉकटेल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कॉकटेल को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होगा एक शेकर। इस शेकर में हम पहले कुछ लाइम जूस को स्क्वीज करेंगे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके इस ग्लास में डाल देंगे। आइए जब तक हम लोग इसको करते हैं, थोड़ा हम इसके बारे में जान भी लेते हैं कि ये कॉकटेल कहाँ से इन्वेंट हुआ और मैं क्या सोचता हूँ इस कॉकटेल के बारे में। 1944 में विक्टर जे बर्गेरॉन नाम के एक शख्स थे जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये कॉकटेल इन्वेंट किया था उनके रेस्टोरेंट में, जो कि है ऑकलैंड कैलिफोर्निया में। इतनी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगी इस कॉकटेल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हम पहले लेमन को मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसके सारे ऑयल्स निकाल देंगे और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको काटते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रेश लेमन जूस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने करीबन करीबन 15 ml लेमन जूस लिया है। उसके बाद हम लोग इसमें आलमंड सिरप डालेंगे। तो हम लोग 15 ml आपका आलमंड सिरप डालेंगे। पंद्रह ml हम लोग इसमें कोरासाओ या फिर आपका ट्रिपल सेक सिरप डालेंगे। एक्चुअली हम 15 नहीं, हम सिर्फ 5 ml डालेंगे। वो उस कॉकटेल के लिए काफ़ी रहेगा, जो उसको अच्छे से बैलेंस भी करेगा। इसके बाद हम इसमें 30 ml वाइट रम और 30 ml डार्क रम डालेंगे। यहाँ हमारे सारे इंग्रेडिएंट जा चुके हैं। आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं इसका स्वाद कैसा आ रहा है। स्वाद बहुत बेहतरीन आ रहा है। आइए जान लेते हैं कुछ कैसे इस कॉकटेल को सर्व करेंगे। इस कॉकटेल को हम लोग सर्व करेंगे क्रश आइस पे। देखिए, दो डिफरेंस होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक होता है शेविंग आइस, दूसरा होता है क्रश आइस। क्रश आइस में आपको आइस के मोटे पीस मिलेंगे, जो कि आपकी कॉकटेल को थोड़े टाइम बाद डाइल्यूट करेंगे, मतलब वो ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर आप इस पे शेविंग आइस डालेंगे तो वो आपकी कॉकटेल को जल्दी डाइल्यूट कर देगा। जल्दी डाइल्यूट का मतलब है कि जो आपकी कॉकटेल के सारे फ्लेवर्स हैं और जो उसमें अल्कोहल है वो जल्दी गायब हो जाएगा और आपको कुछ टाइम बाद वो कॉकटेल फीकी सी लगने लगेगी। इसलिए हम इसमें क्रश आइस का उपयोग करेंगे। हम इसमें आइस डालेंगे। यह हमारा क्रश आइस हो चुका है, इसको हम साइड रखते हैं। आइए हम इस कॉकटेल को शेक करते हैं। इसको शेक करते हैं। आइए ये हमारा कॉकटेल शेक हो चुका है। अब इस ग्लास में हम लोग कुछ क्रश आइस डालेंगे।
यहाँ हमारा कॉकटेल रेडी है, आइए। इसमें हम लोग डालेंगे कुछ मिंट स्प्रिक्स जो इस कॉकटेल की गार्निश रहेगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ऑरेंज स्लाइस, हमने यहाँ पे कुछ ऑरेंज स्लाइस काट के रखे हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका मायता है तैयार है। चेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है, मैं बेवरेज इनोवेशन मैनेजर हूँ मॉनिन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी बहुत सारी कॉकटेल्स को जानने के लिए और सीखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।